दोस्तों फिर एक नया इतिहास बनने जा रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि आदि पुरुष 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होगी तो इसमें 1% बात भी गलत नहीं है, क्योंकि ये बात बिल्कुल ही सच है कि आदि पुरुष 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। कई लोगों ने इसके बारे में बहुत गलत अफवाह फैलाई और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये नेगेटिविटी बैठा दी गई कि आदि पुरुष एक बहुत ही बेकार फिल्म है। और उसका फर्स्ट ट्रेलर में हमें देखने को मिला कि VFX भी सही नहीं थे और बहुत सारे लुक्स वगैरह में भी छेड़छाड़ किया गया। पर इस फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस के बातों को समझते हुए इसमें बहुत सारे चेंजेस किए और चेंजेस इतने बड़े कि 500 करोड़ के बजट को सिर्फ सुधार करने के लिए 200 करोड़ बढ़ाकर 700 करोड़ कर दिया गया। और उसके बाद इस फिल्म का एक पोस्टर सॉन्ग रिलीज किया गया जय श्री राम, जिसने ऑडियंस के मन से 90% नेगेटिविटी दूर कर दी। और बची 10% नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उसने राम सिया राम नाम का एक मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया, जिसने सोशल मीडिया को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। और ये चीख चीख कर बता रही है कि यह फिल्म 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। और ये हो भी क्यों ना, ये वही प्रभास है जिसने बाहुबली से पूरे साउथ इंडस्ट्री को इंडिया में फैला दिया था। और अब इसका 500 करोड़ के बजट वाली फिल्म जो कि अब 700 करोड़ हो गई है, और 700 करोड़ में अगर कोई फिल्म बने और वो 2000 करोड़ ना कमाए तो ये हो ही नहीं सकता। पहली बात तो इस फिल्म के टॉपिक जो रामायण के ऊपर है, इस पे कोई एज लिमिट नहीं है, इसे छोटे बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े तक भी देख सकते हैं, जिसके कारण थिएटर में जो भी इस फिल्म को देखने जाएगा वो फैमिली वाला होगा। और थिएटर में काफी कम ऐसे फिल्में देखने को मिलती है जो कि पूरे फैमिली के साथ देखा जाए, तो कहीं ना कहीं यह फिल्म यहाँ पे बाजी मारती हुई दिख रही है। और टॉपिक भी ऐसा है कि जिसे हजार बार भी देख लो तो मन भरे नहीं, श्री राम की कहानी, तो श्री राम की कहानी कौन देखना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी यह फिल्म कहीं ना कहीं कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो अगर मैं सही मामले में कहूँ तो यह फिल्म कमाई के तो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ही और नई कई सारे रिकॉर्ड बना भी देगी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी ये बन सकती है। तो आपका इस पे क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।